सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के बिरार पंचायत वर्तमान मुखिया अजम उल्लाह उर्फ जुगनू के 24 वर्षीय पुत्र मोहम्मद आमिर की मौत ट्रैक्टर पलटने से हो गई, तो वहीं दूसरे जामिल अहमद के पुत्र मोहम्मद दिलसाद, जिसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद आमिर और मोहम्मद दिलसाद खेत जोतने के लिए घर से निकले, रास्ते में अचानक संतुलन बिगड़ा और सड़क के नीचे ट्रैक्टर नाले में पलट गई। जब इसकी सूचना ग्रामीणों को लगी तो किसी तरह ट्रैक्टर को उठाया और दोनों को निकाला, जिसके बाद परिजनों ने सीतामढ़ी हॉस्पिटल ले गए, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई। तो वहीं मोहम्मद दिलकश की हालत नाजुक बताई जा रही है। हाँ ये मामला सब ना पूछे हम ना जाते ना चक्कर ना चला के डालते हो बाबा हमने बाबा को ना लगा हो तो माने बाबा को तो बाबा को ले जाओ सब हिंदू मुसलमान जो है हमारे बिहार पंचायत के मुखिया जी का लड़का था, 24 साल का लड़का था, अमीर नाम था। बड़े दुखद तरीके से ट्रैक्टर चलाने के दरमियान किसी कारणवश उनका मौत हो गई, ट्रैक्टर पलटने के कारण मौत हो गई। किसी परिवार का दुख तो कोई बांट नहीं सकता है, लेकिन यही भगवान से मनाते हैं कि इनको दुख सहने की भगवान शक्ति बेस्ट है और झेलना इन्हीं को है, तो हौसले के साथ रहे। ये था कि अपने पास दो दो ड्राइवर रखे हुए हैं, इनके पास दो दो गाड़ी है, मौत बरहक है, इनको मौत वहाँ तक खींच करके ले गई है। ये अपना खेत जोतने के लिए जा रहे थे, हालांकि ये अपने ड्राइवर को हर जगह भेजते हैं और खुद अपने से चला करके जा रहे थे, उस रास्ते में संतुलन बिगड़ गया जिसकी वजह से जो है गाड़ी नाले में पलट गया। और दो साथी ड्राइवर थे और जिनका नाम मोहम्मद आमिर है, इनका इंतकाल हो गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और दूसरे मोहम्मद इरशाद जो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए, वो भी अभी सीतामढ़ी हॉस्पिटल में है, वो भी अभी खतरे से बाहर है।